हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में बाजरे की खरीद को लेकर प्रदेश के सभी मंडियों में सरकारी खरीद के भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन मेवात जिले की तावड़ू अनाज मंडी में सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने तावड़ू अनाज मंडी में उपमंडल अधिकारी कार्यालय के बाहर जिले के किसानों के साथ बाजरे की सरकारी खरीद में हो रहे भेदभाव को लेकर स्वराज निगरानी चौकी लगाई है। ये एक और तरीका है किसान को परेशान करने का। हाँ, नमी के बारे में सरकार का नियम है, 14% से ज्यादा नमी हो तो उसको उस समय नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा। सरकार कहती है कि सरकार व्यवस्था करेगी कि वहाँ पंखे लगाए जाएं, नमी को सुखाया जाए और उसके बाद कुछ घंटे बाद या अगले दिन उसको लिया जाए। नमी के आधार पे कोई ढेरी रिजेक्ट नहीं हो सकती, सरकार का नियम है। और ये जो थोड़ा सा रंग काला पड़ गया और इस सब के कारण, ये सब नियम के विरुद्ध हैं। अगर सरकार की नीयत है, झज्जर में मंत्री खड़े होकर कह देते हैं हर एक दाना खरीदा जाएगा, काला सफेद कुछ भी हो खरीदा जाएगा, तो भाई फिर तावड़ू वालों का क्या कसूर है? इनका मंत्री नहीं है, यही कसूर है? इनके प्रतिनिधि इनके बारे में बोलते नहीं है, यही कसूर है इनका? बोरी कला गांव में मेरी जमीन है, वहाँ जो है लगभग 9 एकड़ में हमने बाजरा बोया था। वहाँ प्रशासन की तरफ से एक व्यक्ति आता है जो देख के जाता है कि भाई क्या बो रखा है, क्या कर रखा है, और वो नाम वगैरह नोट करके ले जाता है। ना तो वो दोबारा हमें कोई नंबर दे के जाता है भाई इस तरीके से बात कर लेना या ये कर लेना। यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है।